अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलो गाइस, आज हम बनाते हैं विलेज स्टाइल यानी गांव के स्टाइल में मटन करी। तो चलो बनाना शुरू करते हैं फटाफट से। तो हम लिए हैं 500 ग्राम मटन, इसको धो के अच्छे साफ कर रखी हूँ, और 3 प्याज काट कर रखी हूँ, थोड़ी आधी बड़ी स्लाइस में और छोटी स्लाइस में काट कर रखी हूँ। और लियो गर्म मसाला जैसे लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, जायफल, जावित्री और काली मिर्च और जीरा, ये सब तड़के के लिए ली हूँ। लौंग, इलायची, ये अदरक लहसुन का पेस्ट बनाए हूँ, 5-6 कली लहसुन के लेके और एक इंच अदरक का टुकड़ा लेकर उसको पीस ली हूँ। चलो इन सब चीज़ों को पेस्ट बना लेते हैं। इसमें प्याज भी डाल लेते हैं, जो बड़ी साइज़ के प्याज है, 2 प्याज है, उसको हम पीसेंगे। तो इसमें इसको डाल देंगे, बड़ी जो बड़ी इलायची उसको खोल के इसके बीज को पीस लेंगे और इसको छिलके कर देंगे तड़के में। ऐसे क्या होगा कि ये अच्छे से पीस जाएगी। तो देखो मसाला पीस के तैयार कर लिए हम। तो चलो इसको रखते हैं साइड में। तो चलते हैं गैस पे, हम रखते हैं कुकर, कुकर में बनाएंगे हम। तो कुकर रखेंगे, उसके बाद जब कुकर हल्का गर्म होगा तो उसमें डालेंगे हम सरसों का तेल 2 चम्मच भर भर के। देखो थोड़ा बड़ा चम्मच दिख रहा है ना, इसी से भर के 2 चम्मच तेल डाल दे रहे हैं। तेल जब गर्म होगा तो ये तड़के डालेंगे, लौंग, इलायची, तेज़पत्ता, जीरा, साजीरा और छोटी इलायची सब डाल दे रहे हैं। ये जो थोड़ा सा पक जाएगा तो इसमें जो स्लाइस कटी हुई प्याज है एक, उसको डाल देंगे। इसको भी डाल दे रहे हैं। डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे, एकदम ब्राउन नहीं करना, हल्की गोल्डन ब्राउन करना बस। तो इसको ऐसे चला चला के हल्की गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे मटन को यानी गोश्त को जो धो के रखी हूँ, तो इसको डाल देंगे। डाल के इसको हम 10 मिनट तक इसको भूनेंगे। इससे भूनने से क्या होता है, बहुत मस्त गोश्त बनता है यानी मटन बहुत अच्छा बनता है। देखो इसको भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तो इसको डाल देंगे। इसको डाल के भी थोड़ी देर चलाएंगे, बस 2-3 मिनट इसको चलाएंगे बट डालने के बाद। तो देखो इसको अच्छे से भून लिया। अब इसमें हम डालेंगे जो मसाले पीस के रखी थी ना, उसको डाल देना, गरम मसाले और प्याज उसको डाल देना। उसके बाद डालेंगे ड्राई मसाले यानी सूखे मसाले। तो हम 1/4 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर और 1 चम्मच भर के डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और 1 चम्मच भर के डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये तीखी नहीं होती। और 3-4 चम्मच भर के डाल देंगे धनिया का पाउडर। तो वो धनिया पाउडर डाल दे रहे हैं इसमें हम, 4 चम्मच डाली हूँ, छोटा चम्मच है इसलिए 4 चम्मच डालूँ, अगर आपको बड़ा चम्मच हो तो 3 डालना। इसको डाल दें, डाल के इसको अच्छे से चलाएंगे। और इसमें डाल देंगे स्वाद के अकॉर्डिंग नमक 1 चम्मच भर के। इन सब चीज़ों को डाल के इसमें इसको चलाएँगे। अगर आप चाहें तो इसमें दही भी डाल सकते हैं, हम इसमें दही नहीं डाली हूँ। देखो इसको चला दें, थोड़ी देर इसको भून लिए अच्छे से। देखो इसमें कितने अच्छे से खुशबू आने लगी, बहुत मस्त खुशबू आ रही है इसमें। तो इसमें अब हम डालेंगे गरम मसाला थोड़ा सा रखी हूँ। देखो ये गरम मसाला ली हूँ, हम आपको दिखा दे रहे, यह है राजेश का गरम मसाला, ये अमेठी में मिलता है, अमेठी से बन के आता है ये, अमेठी में इसका कारखाना यानी कंपनी है जो जहाँ बनती है हमारे तरफ है ये। तो देखो इसको डाल देना 1 चम्मच भर से। इससे इसको अगर डालोगे ना तो मीट बहुत अच्छा बनता है, बहुत इसमें बहुत बहुत खुशबू अच्छी आती है। इसको डाल देना, डाल के इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे। तो गाइस आज की वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना प्लीज़, और बेल आइकन दबा देना ताकि जो नई वीडियो डालें आप तक वो पहुंच जाए, ये बिल्कुल फ्री है। तो देखो इसको हम चला के इसे ढक दिए, ढकने के बाद इसको थोड़ी देर बाद दोबारा चेक कर, देखो तेल अलग होना शुरू हो गया ना, इसमें से खुशबू बहुत बेहतरीन आ रही है। क्या बताएँ आपके, आप हमसे दूर नहीं था, हम आपको इसकी खुशबू बताते कितनी अच्छी आ रही है। तब इसमें हम डाल दे रहे हैं पानी, क्योंकि मसाला पक चुका है, अब इसमें पानी डाल देंगे। इसको हमको अच्छे से भूनी थी, पहले भूनी हूँ तो इसमें पानी डाली हूँ। पानी थोड़ा कम ही डालें, ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि कुकर में बहुत जल्दी गोश्त पक जाता है यानी मटन बहुत जल्दी गल जाता है। 4 सीटी आने तक इसको हम पकाएँगे। देखो सीटी है, 4 सीटी आ गई है, अब इसको हम बंद करेंगे गैस को। तो गैस बंद करने के बाद इसको हम खोल के चेक कर ले रहे हैं। वाह माशाल्लाह कितना बेहतरीन बन गया। देखो अभी थोड़ा ही पानी डालती लेकिन गोश्त सारे गल चुके हैं, नहीं पक गए अच्छे से। इसको आप नान, चावल, रोटी, पराठे किसी चीज़ के साथ खाओ, बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखो इसको हम इसमें थोड़ा डाल दें धनिया का पत्ता। अब इसको हम चलते हैं सर्व कर लेते हैं। तो चलो इसको सर्व कर लेते हैं। ये संडे के स्पेशल रेसिपी है, संडे को बनाई थी। तो देखो सारा निकाल के इसमें धनिया पत्ता थोड़ा डाल दे रहे हैं, देखने में अच्छा लगे ताकि बहुत मस्त लगेगा। अगर आप इस तरीके से बनाओगे हमारे तरीके से तो वाह माशाल्लाह कितना बेहतरीन। देखो पक गया, इसको हम तोड़ के आपको दिखा दे रहे हैं।
बहुत ही लाजवाब बना। तो गाइस अब आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, थैंक यू, दुआओं में याद रखना और अपना ख्याल रखना।